एमपीसीसीआई का 119वां स्थापना दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिपति जितेंद्र महेश्वरी रहे। इस मौके पर एमपीसीसीआई की कॉलर पिन का विमोचन भी हुआ। समय और नदी की धारा में सब बह जाया करते हैं, होते हैं कुछ लोग यहाँ जो इतिहास बनाया करते हैं। इन पंक्तियों के साथ मुख्य अतिथि श्री जितेंद्र कुमार महेश्वरी ने अपना वक्तव्य शुरू किया और कहा कि चैंबर की स्थापना 26 मई 1906 को हुई। संकष्टी चतुर्थी है, यानी भगवान गणेश की पूजा का दिन, और आज जो भी मनोकामना भगवान श्री गणेश से की जाती है वो सब पूर्ण हो जाती है। चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ जो इंडस्ट्री शब्द जुड़ा हुआ है उसके लिए आज बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। वर्ष 1991-92 और 1992-93 ग्वालियर इंडस्ट्री का स्वर्णिम काल था, फिर इसमें डाउनफॉल आया। बीच में वर्ष 2006-07 और 2007-08 में कुछ उछाल देखने को मिला। उन्होंने कहा कि चैंबर ने जो मल्टीनेशनल कंपनी के डिपो की स्थापना का संकल्प लिया है उस पर अवश्य कार्य किया जाना चाहिए। लेकिन जब हमने कहा कि प्रत्येक सदस्य की ये इच्छा है और हम सबका ये गौरव हमें प्राप्त होगा कि अगर आप हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में पधारेंगे तो आप विश्वास मानिए 30 सेकंड के अंदर आपने उसकी स्वीकृति प्रदान कर दी, इसके लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। कार्यक्रम में वर्ष 1946-91 के मध्य एमपीसीसीआई के भवन के लिए भूमि क्रय एवं भवन निर्माण हेतु आर्थिक सहायता करने वाले सदस्य फर्म के परिजनों को मुख्य अतिथि द्वारा स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में व्यापारियों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में उपाध्यक्ष डॉक्टर राकेश अग्रवाल एवं मानसेवी संयुक्त सचिव पवन कुमार अग्रवाल द्वारा मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। संयुक्त अध्यक्ष हेमंत गुप्ता द्वारा आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम में कई गणमान्य उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का 119वां स्थापना दिवस था। 26 मई 1906 को प्रारंभिक संस्था के आज 119 वर्ष पूर्ण हुए। 120 वर्ष में हमने प्रवेश किया है। आज एक गरिमामय कार्यक्रम में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति माननीय श्री जितेंद्र कुमार माहेश्वरी जी उपस्थित थे और उनके करकमलों से 1946 से 1951 के मध्य जिन फर्मों ने चैंबर के भूमि भवन निर्माण में कोष में आर्थिक सहयोग दिया था उनके परिजनों का सम्मान कराया गया। और एक चैंबर के सदस्य की कहीं अगर वो चैंबर के अतिरिक्त कहीं आता है तो उसको पहचाना जाएगा कि वह चैंबर का सदस्य है, उसके लिए चैंबर के कॉलर पिन का भी विमोचन किया गया है जो सभी सदस्यों को उनके पते पर चैंबर के माध्यम से पहुँचाई गई। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।